सरकार ने जनता के लिए काफी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन उसी में कुछ डीलर सरकार के कामों को नाकाम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत रमजानीपुर पंचायत के डीलर सिसिर आनंद यादव का है, जिसके विरोध में जनता ने मुखिया देहारू यादव को लिखित में शिकायत दी है कि डीलर अपनी मनमानी तरीके से राशन कम दे रहा है। कौन से पंचायत में घर आपका? पैसे भी अधिक लिए जा रहे हैं। कौन सा डीलर का क्या नाम है? सिसिर। क्या मतलब आपको राशन नहीं मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन 10 किलो काटा है मेरा। 10 किलो काटा आप? 1 किलो 4 रुपया रेट से देता है। 4 रुपया रेट से देता है। आप इसका विरोध नहीं किए? विरोध का हम लोग को मालूम ही नहीं था। मुखिया जी को बताया इस मैटर में? बता दिए। आपको राशन मिलता है? मिला भी है तो कम मिला। कम मिला? कितना केजी कम मिला? 60 केजी मिलता, उसमें 50 केजी मिला। इस विषय में डीलर को बोले? हाँ बोले। क्या बोला? इतने होगा। मुखिया जी को बताए इस मैटर में? बताए हैं। और कोई दिक्कत आपको? खाना है घर में? नहीं है सर। नहीं है। और राशन में क्या पैसा भी ज्यादा लिया? पैसा ले लिया ज्यादा, 4 रुपया किलो से। आपका दुलारी देवी राशन आपको दिया? 10 किलो दिया है, 50 रुपया पैसा लिया है। 50 टका ले लिया है? 75 रुपया। नाम क्या हुआ आपका? खाएंगे आपका कौन से घर में पंचायत है? कौन सा पंचायत में घर है? रमजानीपुर पड़िया टोला। इस विषय में मुखिया जी को बताए? हाँ। क्या बोला मुखिया जी? सुमित्रा देवी। कौन से पंचायत में घर है आपका? रमजानीपुर पड़िया टोली। क्या राशन मिलता है आपको? हमको नहीं मिलता, एक दिन गए तो गुरा के बेच दिया। क्या बोला डीलर? वो बोला कि 25 तारीख को आना, 25 तारीख को जाएगी तो थोड़ी मिलेगा। तो इस विषय में मुखिया जी को बताए थे? क्या बोला मुखिया जी? वो बोला कि दिलवाएंगे से बोल दिया। खाने के लिए है आपके घर में? घर में नहीं है खाने के लिए जी। आपके यहाँ पे कुछ आरोप लगाया है डीलर पे कि मनमानी तरीके से राशन कम दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कर रहे हैं? रमजानीपुर पंचायत के सभी जनता के डीलरों से मैंने कह चुका हूँ, उचित दाम लेकर जिनका राशन कार्ड नहीं है और जिनका है सभी के उचित मूल्य लेकर दिया जाए। और फिर भी बात नहीं मानने के बाद ग्राम रमजानीपुर पहाड़िया टोला से ग्रामीण ने आवेदन मुझे दिया है और एमओ से हमने बात किया कि आप सभी डीलरों पर बात करके बोलिए कि कभी कोई गरीब का अनाज कम ना दे और उचित दाम लेकर सभी को अनाज दे। ये कौन से डीलर पे आरोप लगाया गया है, क्या नाम है उनका? ये रमजानीपुर डीलर पर आरोप दिया है लोग, रमजानीपुर पहाड़िया टोला। क्या नाम है उनका? उनका शिशिर आनंद नाम है। आप उनसे कोई फोन पे कांटेक्ट किए? अभी शिशिर आनंद से हम बातचीत नहीं किए। नहीं किए? नहीं। हमको दिया तो एमओ से बातचीत किए, तो बोले कि ठीक है हम समझा देंगे। झारखंड सरकार द्वारा COVID-19 कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन का संकल्प लिया गया, जिसमें लॉकडाउन से प्रभावित बेसहारा और मजदूरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री दीदी किचन के तहत कोई भूखा न रहे योजना के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में जीविका दीदी के द्वारा चिन्हित कर मेन्यू के हिसाब से प्रत्येक दिन 30 से 40 व्यक्ति को खाना खिलाया जाता है। बिहटा में कुछ महीने पहले लुटेरों ने बिहटा थाना के अंतर्गत आतंक मचा रखा था, वहीं आज बिहटा पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पहले के लूटकांड अभियुक्त आरोपी को देसी कट्टे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी की पहचान प्रहलाद कुमार पिता संजय शर्मा जफरा भगवानपुर के निवासी के रूप में की गई है। वहीं बिहटा थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा ने बताया कि जुलाई महीने में बिहटा थाना अंतर्गत जेजी कॉलेज रोड में हुए लूटकांड में सम्मिलित था यह व्यक्ति। देखा जाएगा। हाँ बोलिए। देखा जाएगा। इसीलिए क्या फोन किए थे। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के ग्राम कोठी समोद के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नासिर ने
पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम कर पत्रकारों को किया सम्मानित। लॉकडाउन में बेटा पुलिस की सख्ती, बेटा चौक पर बेवजह घूम रहे बाइक सवार से पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। पालघर लिंचिंग केस को सांप्रदायिक रंग देने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और उन्हें सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल अर्णब गोस्वामी ने बीते कल अपने शो पूछता है भारत में पालघर लिंचिंग मामले को उठाया था। इस दौरान उन्होंने लगातार कई भड़काऊ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर संतों की जगह कोई मौलवी या पादरी मारा जाता तो क्या इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। गया जिले में समाज सेवी ने बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से कम संख्या में मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए की मांग। बीते दिन अंग किसान मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के सौजन्य से बांका जिले के पंजवारा दुर्गा मंदिर परिसर में हरिजन टोला कलाली विस्कोरा गांव में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 100 से भी ज्यादा जरूरतमंदों के बीच राशन व मास्क वितरण किया गया।